नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। 17 फरवरी को खारघर में अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक शानदार किटी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। यह किटी पार्टी महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था। इस किटी पार्टी में नेल पेंट, डांस, मेहंदी और अन्य मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खासकर डांस में उनका जोश देखने लायक था। आपको बता दें कि अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड सालों से आलीशान घरों और इमारतों को बनाकर उन्हें किफायती दामों में उपलब्ध कर कई लोगों के एक घर होने का सपना पूरा करता आ रहा है। हम तो किटी पार्टी के हिसाब से आए थे, बट फ्लैट्स आर रियली वेरी ब्यूटीफुल और जो उन्होंने उनकी इंटीरियर्स किए, स्पेशली द बाथरूम्स, दे आर रियली वर्थ बाइंग एंड वन शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू कम एंड सी द फ्लैट्स। I'm very impressed with the interiors of it. अभी तो फिलहाल bathrooms are really amazing. Bathrooms बहुत अच्छे बने हैं इनके, उन्होंने जो tiles वगैरह और जो quality of material है, that is really very nice, very good. इस kitty party के बारे में अरिहंत superstructure limited के chairman और managing director अशोक छज्जर ने विस्तार में बताते हुए कहा। वेल, वुमेन एम्पावरिंग एक सबसे बड़ा एजेंडा रहा है अरिहंत superstructure limited का भी, और जैसे हमारे पास स्पेशल कमिटीज़ है जो कंपनी में वुमेन्स वर्कर्स हैं उनके लिए खास केयर करती है, तो हमने सोचा कि एक वुमेन्स डे जो 8 तारीख को आ रहा है उसकी प्री प्रिपरेशंस के लिए बिगेस्ट किटी पार्टी ऑफ नई मुंबई की जाए। और आज अनुमान है कि यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 500 से ज़्यादा वुमेन्स आएगी एंड बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है एंड काफ़ी चैनल पार्टनर्स ने इसमें साथ दिया है, विगौर, पॉपटेक, अर्बन टर्का और सब लोगों ने, जिसके तहत बहुत सारी गिफ्टिंग दी जाएगी, बहुत सारे प्राइजेस रहेंगे, बहुत सारा फन, डांस, म्यूजिक, तो बेसिकली प्रमोशन नहीं होने के बाद सेल्स प्रमोशन नहीं है और ये एक एनरोलमेंट है कि लोग एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट जो एक पर्शियन आर्किटेक्चर थीम का प्रोजेक्ट अरिहंत आलीशान, वहाँ पे उनकी सबसे बड़ी किटी पार्टी हो रही है और खारघर का स्थान, खारघर का नाम ऑलवेज सबसे चर्चा में रहा है और अरिहंत आलीशान के इस फंक्शन के बाद में खारघर एक वापस एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहेगा। किटी पार्टी में डीजे डांस है, फिर हाउजी है, फिर बहुत सारे एंकर्स उनको गेम्स खिलवा रहे हैं, जैसे ज़्यादा करके मैक्सिमम किटी पार्टीज़ में होता है लोगों का, एंड हाँ पेंटिंग, नेल आर्ट, और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इतनी दूर भी ओला, उबर और अपनी पर्सनल कार्स के थ्रू आ रहे हैं और ये इंटरेस्ट दिखाता है कि अरिहंत ने जब शहर में एक आवाज़ दी है लोगों को बुलाने की, उनको एंटरटेन करने की या फिर उनको उनके साथ मिलने जुलने की, तो ये एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है जहाँ पे इस टाइप का मेलजोल का प्रोग्राम हो रहा है। हमने इसी टाइप का प्रोग्राम किटी पार्टी का पिछले 10 दिन पहले जोधपुर राजस्थान में भी हमारे प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे किया था और इस बार भी पूरा प्रोग्राम इवेंट पार्टनर ओपेलॉक्स के थ्रू एज वेल एज सारे पार्टनर्स के, सारे एसोसिएट पार्टनर्स और गिफ्ट स्पॉन्सर्स के कारण ये बहुत अच्छी तरह से संभव हो गया है। मैं उन सबको थैंक यू देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजिंग किया एंड होप्स हो कि ये एक अच्छा चर्चा का विषय बने और शायद फेसबुक, कल फेसबुक सा सोशल मीडिया सभी लेडीज़ के आज की इस किटी पार्टी के फोटोग्राफ्स और वीडियोस से पूरे अपलोडेड रहेंगे। साथ ही पार्टी में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड के मार्केटिंग हेड तेजी घोष ने कहा। I believe the biggest developer has planned something for women and which I don't think ever anyone has thought about. So that is a big thing. And secondly, now we thought that we are doing something for women, let's do in a big manner. So we have got different attractions, like we have got nail art, we have got mehndi, which people like.
which women like it. So I can see the moment they enter, they're going to the nail art person and not, you know, they're enjoying more that. And anyways, we have got a lot of gifts, we have got a lot of games which women like it, and obviously gifts kisko nahi pasand hai. तो हमने सब कुछ सोच के कि क्या औरतों को अच्छा लगता है, हम वही कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कांबड़े के साथ अभिषेक राय की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़।